भाइयों और बहनों हम आजादी के पचहत्तरवें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं ऐसे में बीते साढ़े सात दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था घर बिजली पानी शौचालय गैस सड़क अस्पताल स्कूल ऐसी अनेक अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा ये दुखद है इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो हमारी माताओं बहनों ने उठाया है खास करके गरीब माताओं बहनों को मुसीबत झेलनी पड़ी है झोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है तो मां को है बिजली के अभाव में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो मां को है पानी की गंदगी से परिवार बीमार तो भी सबसे ज्यादा परेशानी मां को शौचालय के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार परेशानी हमारी माताओं बहनों को स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं तो समस्या हमारी बेटियों को हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें मलते भीषण गर्मी में, में आग में तपते ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है साथियों ऐसी स्थितियों के साथ क्या हम आजादी के सौवें वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं क्या हमारी ऊर्जा सिर्फ मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में लगी रहेगी जब बेसिक सुविधाओं के लिए ही कोई परिवार कोई समाज संघर्ष करता रहेगा तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा और बिना आत्मविश्वास से कोई देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है भाइयों और बहनों 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा तब एकदम स्पष्ट था इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी इसलिए बीते छह सात सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है